अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे सब भाई लोग। और आज है ना, मैं एक्चुअली 2-3 दिन के बाद अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला। और आप लोग देख ही रहे वीडियो में कि मैं लगातार लगभग 10 से 15 दिन मुझे जो ना वो हो गया है भागते हुए, और घर पर मतलब कम आराम मिल रहा है और कम सब कुछ कम ही हो रहा है। तो सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन इस बात से हमको घबराना नहीं है बल्कि मेहनत करनी है। अब कल जो मैंने छुट्टी की, एक्चुअली गाड़ी की सर्विस ऑयल पानी कराने का था चेंज, तो चल चुकी थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसकी वजह से। तो फिर मैंने गाइस आज फाइनली सोचा था कि कल के बारे में कि मैं छुट्टी कर लेता हूँ, और मन भी था काम पे जाने का कि आज अपॉर्चुनिटीज़ अपने को रिजर्वेशन बुकिंग नहीं आई तो क्या हुआ, अपन लोकल में काम करेंगे। तो मैं लोकल में जाने की फिराक में था, टिफ़िन भी लिया था सर्विस करा के, और मैं काम पे निकल जाता था। बट मेरा मन चेंज हो गया। एक बार जो माइंड में बात आती है ना, तो वो इंसान के माइंड के अंदर बस कर जाती है, मतलब घर कर जाती है। तो वो बस जाती है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, फिर मेरा मन भी हट गया। 11-12 बज चुका था और मेरा मन हट गया, सर्विस कराया तब तक। और फिर इतने में एक भाई का फ़ोन भी आ गया, बोले आ जाओ आपकी दावत है। तो फिर मैं बोला भाई काम तो अपन है ना दबा के कर ही रहे, लेकिन दावत भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि लोगों की दावत खाएंगे तभी तो कुछ एनर्जी बॉडी के अंदर आने वाली है। तो गाइस आज जो अपन बात करेंगे ना, अभी भी मैं वैसे बुकिंग पे हूँ, ये आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। लेकिन आज जो अपन बात करेंगे ना, तो वो क्या है, कुछ सब्सक्राइबर भाई का जो है ना सवाल रहता है, वो सवाल ये करते हैं कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, हम क्या करें, हमारा तो अर्निंग इतनी नहीं हो पाती है, तो प्लीज़ हमें कुछ टिप्स दें आप और कुछ बताएं कि हम काम कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करें और हमारी अर्निंग हो पाए फिर। क्योंकि मेहनत तो लगभग लोग करते ही हैं, लेकिन बहुत लोग मेहनत करने के बाद भी अर्निंग इतनी नहीं कर पाते। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है अपनी नींद को पूरी कंप्लीट करना है, और दिमाग का कचरा निकालना है। अब ये दिमाग का कचरा कैसे निकालना है और नींद को कैसे कंप्लीट करना है और काम को कैसे करना है, ये इस वीडियो में आपको पूरी सुनने को मिलेगी। और आपको प्लीज़ वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, नहीं तो आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे कि 3 बज रहे और 4 बज रहे हैं और वीडियो आ गई है 11 बजे, तो ऐसा नहीं है। पहले आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो, ताकि आपको काम समझ में आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तो क्या, मुझे तो आप कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप शायद हो सकता है दुआ दे दें मुझे, तो मुझे तो दुआ की ज़रूरत ज़्यादा है, बाकी चीज़ों की कम है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइम सेट करना है अपना काम का टाइम। हमको ये देखना है कि किस टाइम हमको काम पे जाना है और किस टाइम नहीं जाना है। अब कुछ भाई लोग ड्राइवर भाई पार्ट टाइम चलाते हैं, कुछ फुल टाइम चलाते हैं। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर फुल टाइम के लिए काम देने वाला है आप लोग, वो जो फुल टाइम कैब चलाते हैं। तो इसमें हमें गाइस क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी नींद को कवर करना है, मतलब टाइम से सोना है। जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको जो है ना काम पे वो निकलना है सुबह 6 बजे, 6 से 7 के बीच में, ऐसा फिक्स नहीं होता कि 6 ही बजे निकलना है, 6 से 7 के बीच में हमको काम पे निकलना है। और उसके लिए हमें कितनी नींद अपने को सोनी है, तो कम से कम आप 11 बजे सो जाओ। 6 से 7 घंटा सोना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक जवान इंसान को 6 से 7 घंटा सोना ज़रूरी है। इससे कम सोएंगे तो भी आपको बीमारी पकड़ सकती है, इससे ज़्यादा सोएंगे तो भी आपके लिए नुकसान है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 6-7 घंटे आप अपनी नींद को पूरी करो और काम पे सुबह सवेरे निकल जाओ, और अपने एक ही मकसद बनाओ कि मुझे जो है ना एक टारगेट बना के चलो कि 3,000 की अर्निंग, 3,500 की अर्निंग शाम को 7-8 बजे तक करके लानी है। ये एक अपना ऐसा सुबह में मन बना के चलो, और कहीं भी बैठ के बकवासबाजी मत करो, अकेले रहो, जहाँ भी रहो अकेले रहो। फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात की है किसी से ज़रूरत के हिसाब से ठीक है, बट ज़्यादा बात में नहीं लगने का। किधर बैठ के घड़ी घड़ी चाय की दुकान पे छुट्टा नहीं मारना है, चाय नहीं पीना है। जो भी करो अपनी गाड़ी में बैठ के करो, ज़्यादा टाइम पास मत करो। जहाँ का भाड़ा आए सब भाड़े एक्सेप्ट करो, कुछ भाड़ा आप चॉइस कर सकते हो जो जिसका आपको हक है, कि फला जगह कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है तो वहाँ नहीं जाना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अच्छी जगह भी कभी भाड़ा, अच्छी जगह का भाड़ा हम कब छोड़ते हैं पता है आपको, जब हम ग्रुप बना के एक जगह सर्कल बना के बैठे रहते हैं, तो प्लीज़ सर्कल छोड़ दो, ठीक है।
ये आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा क्या होता है पता है, जैसे कोई अच्छी सी बुकिंग आई, मतलब जहाँ के बारे में हमने सोचा कि ये जो है ना हम बुकिंग ले लूँ, ले लेता हूँ मैं, ऐसा हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये बुकिंग आई है चलो ये ठीक है ये ले लेता हूँ, तो अपने जो साथ वाला है ना वो क्या बोलता है, अरे यार मैं गया था फला दिन फंस गया था, तो प्लीज़ यहाँ मत जा, कैंसिल कर दे, मत उठा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो यार इससे भी अच्छी बुकिंग फोर्ट की ले लेंगे, वो बुकिंग को छोड़ देते, अब हम आधा एक घंटा उसके चक्कर में लटक गए, लेकिन वो क्या हो गया, वो बुकिंग अब दूसरे वाले भाई को आ गई है जो आपको मना कर रहा था, अब उसके मन में आ गया कि यार मैं ले लेता हूँ ये अच्छी बुकिंग है ये, तो उसने फटाक से ले लिया और आपको छुट्टा हो गया। ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी ग्रुप्स में हुआ है, फिर आप बोलेंगे यार देख इसने ना मेरे को मना किया और खुद ले लिया, धोखेबाज है ये वो, बट आपका नुकसान उसमें हो गया और कंपनी को दिखता है कि यहाँ पे 10 जन ग्रुप बना के बैठे हुए, तो इनको बैठा रहने दो। अब पीछे जो अपने आता है वहाँ बुकिंग ड्रॉप कर रहा है, वो आ रहा है लेके जा रहा है, आ रहा है लेके जा रहा है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ अपने काम को है ना सुबह उठने के बाद पहले कंटिन्यू करो, एक बुकिंग ले लो, फिर आप दिन भर आपको कंपनी बैठने नहीं देगी, इस बात की गारंटी है ये, मतलब हमने मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मैंने खुद से सीखा और खुद से किया ऐसा, समझ में आया आपको। तो ऐसा आपको करना है कि स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में कंटिन्यू करना, एक बार एक बुकिंग ले लो, फिर उसके बाद आपको धड़ाधड़ बुकिंग लगते जाएगी, कभी नहीं भी लगी आधा एक घंटा तो मायूस नहीं होने का, सोचने का कि मैंने गाड़ी में बैठ के आराम किया है, ऐसा सोच के चलने का, ठीक है। ये हो गया एक स्किल, मतलब एक आप ऐसा करना है, स्टार्ट करो। अब मैं आगे की बात बताता हूँ, मन कैसे बनाना है, काम को ग्रो कैसे करना है। तो काम को ग्रो गाइज ऐसे करना है कि हम क्या करते हैं, हम लोग फालतू जो अपने दोस्त हैं ना, कुछ दोस्त अपने ऐसे हैं जो है मजाक मस्ती 24 घंटे और उनकी फालतूगिरी चालू रहती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा दिल उधर लगता है, हम घर छोड़ के, घर परिवार छोड़ के और यहाँ पे लग जाते हैं। अब जब यहाँ पे लग जाते हैं तो हमारे माइंड में वही चीज़ घुसे रहती है, अब हमको क्या करना है, काम करना है, तो काम में मन नहीं लगेगा ना, काम में मन कैसे लगेगा, क्योंकि हमारा मन दूसरी जगह लग चुका है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग कम करो, ग्रुप्स में बैठना कम करो, दोस्त यारी कम करो, दोस्त यारी सारी चीज़ें एक लिमिट के जितनी है, कभी कभी उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, अच्छी बात ज़्यादा करो, फालतू बात कम करो, जो वो बातें ज़्यादा करने का, उस चीज़ के ऊपर प्लान करने का जो चीज़ आपको ग्रोथ तक, तरक्की तक लेके जाए। तो हमको तो तरक्की करनी है ना, कामयाब होना है ना, कैब चला के या किसी भी तरीके से जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर कामयाब हमें होना है, तो उसी तरह हमको काम करना पड़ेगा। अब क्या होता है गाइस, जब हम घर जाते हैं ना और हमें फुर्सत रहती है तो हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है, हमारे मन में बात आती नहीं है कि हमें कल कैसे काम करना है, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं ना, हम प्लान नहीं करते, ये काम तो अमीरों का है प्लान करके काम करना, तो ऐसा नहीं है, हम भी प्लान करके काम कर सकते हैं और हम भी कामयाब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें कामयाब होने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब जब हम बाहर से आते हैं घर पे तो हमारे मन में ये दिमाग में ऐसी बात कोई नहीं आती कि हम कैसे तरक्की करें, तो हमको क्या करना है, जब ये चीज़ें आपकी कम हो जाएगी ना गाइस, तो आपका माइंड शांत होएगा, रिलैक्स होएगा, और जब आपका माइंड रिलैक्स होएगा ना तो आप फिर अच्छा सोचेंगे और काम के बारे में सोचेंगे, तरक्की करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी बाहर से कचरा भर के ला चुके होते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो हमको काम की सोचती नहीं है, दिमाग में ही नहीं आता हमारे कि हम क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अपना काम में कैसे तरक्की करेंगे, कहाँ से बुकिंग ले कहाँ से नहीं ले, कौन सी गाड़ी ले कौन सी नहीं ले, हमको आता ही नहीं है मन में, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर से गंदगी सुन के आए हुए होते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर काम नहीं होता था तो ये कंपनी फ्लॉप हो जाती थी, अभी तक ये कंपनी नहीं चलती है, 2016 से हम लोग ये बात सुनते हुए आ रहे कि आप गाड़ियाँ बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं गाइस। एक फ्रेंड हमारा, हमारे सर्कल का एक बंदा ऐसा था जो हमको लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद बोलता था कि जो है ना ये अभी लोकल बंद है, इसके लिए आपका काम चल रहा है, जैसे ही बम्बई की लोकल चालू हो जाएगी तुम्हारा काम सो जाएगा। तो मैं उसको एक ही बात बोलता था, जब तक लोकल चालू होगी ना तब तक मैं अपना उड़ चुका हूँगा ऊपर, मतलब मैं कमा चुका रहूँगा।
तो हमको ये नहीं, ये चीज़ नहीं देखनी है कि लोकल चालू होने वाली है, मेट्रो बम्बई में आ गई है, धंधा कम हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। आपका धंधा वहीं रहेगा, क्योंकि आपको दिमाग से माइंड लगा के सोचना है और कैसे काम करना है, ये इसके ऊपर प्लान करना ज़रूरी है। प्लान देखो, कभी भी याद रखो, अमीर आदमी प्लान करता है, गरीब लोग, हम लोग नहीं करते प्लान, और हम कामयाब नहीं होते, ये लोग कामयाब हो जाते हैं क्योंकि ये प्लान करके काम करते हैं। तो ऐसी प्लीज़ आप लोगों को भी करना है, प्लान करके काम करना है। हमको जो सक्सेस मिला है ना, मैं क्या था, कुछ नहीं था, पहले दूसरे की गाड़ी चलाता था, और गाड़ी चलाने के लिए भी 4 किलोमीटर दूर चल के जाता था, 4 से 5 किलोमीटर दूर चल के जाता था, नहीं तो बस, 2 बस चेंज करके जाता था। लेकिन कैसा है, दिल में उमंग और चाहत थी आगे बढ़ने की, अगर ये काम करेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे। मैंने जो भी काम किया आज तक, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो इसमें भी मेरा यही था। तो मैंने क्या किया, मैं 4-5 किलोमीटर दूर चल के आता था, उन लोगों से काम सीखा है मैंने, वहाँ पर जाके उनकी कैब चलाता था, लेकिन देखता था कि ये किस तरीके से मैनेज करते हैं, वहाँ पर उन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो इन लोगों ने कैसे किया हुआ, ये कौन लोग हैं, इन्होंने कैसे किया है, वो उसके ऊपर मैं ध्यान देता था कि ये भी हमारे जैसे ड्राइवर था, वो लोग भी हमारे जैसे ड्राइवर थे। गाइस सोचो आप, और आज उनके पास, किसी के पास 50 गाड़ी है, किसी के पास 40 गाड़ी है, किसी के पास 100 गाड़ी है, क्यों, वो इंसान नहीं है या हम इंसान नहीं है, वो भी हम भी एक जैसे हैं ना, लेकिन उनका सोच, उनका प्लान उनको कामयाबी तक लेके जाता है। हमारी सोच नहीं रहती, हमारा प्लान नहीं रहता, तो हमको डाउन, नीचे, तरक्की नहीं करते बल्कि नीचे जाते हैं। तो इस चीज़ पर हमको फोकस करना है और ध्यान देना है। अब कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों को एक साथ बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, और आगे हमको कैसे इसमें काम करना है वो मैं प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और आज जो है ना, मेरे पास एक प्राइवेट बुकिंग है, और प्राइवेट बुकिंग जो है ना, वो कहाँ लेके आया हूँ मैं, कहाँ से लाया हूँ, और कितने रुपीज़ में है, वो मैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद बताऊँगा, और हो सकता है मैं कस्टमर से आपका इंटरव्यू कराऊँ या कुछ भी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ थोड़े टाइम के बाद, आप लोग प्लीज़ वीडियो में इंजॉय करो, और वीडियो को जो है ना अभी आगे भी देखना, छोड़ना मत और भूलना मत, आगे भी टिप्स मिलने वाली है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे। सो गाइज, हम लोग है ना जाके आ गए, तले गांव से आ गए घर पे, देखो अपनी बिल्डिंग के इधर ही, और अभी जा रहे घर पे। हाय बोलो। हाय, किधर जाके आए हम लोग? तले गांव, तले चाकन एमआईडी से। अच्छा, चाकन एमआईडी से, ठीक है। अभी मैं आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद। सो गाइज, देखो शेड्यूल तो बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को सब, और मैं ना मतलब जब से आया हूँ तब से ऐसा बिजी हो गया कि मेरे को टाइम नहीं मिला। मतलब 5 बजे मैं घर पे आया, और घर पे आने के 5 बजे से पहले आया, और आके सीधा सो गया थोड़ा टाइम, और थोड़ा टाइम सोने के बाद मतलब इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसे काम लगे घर के कि उनको काम करने को 9:30 बज चुका है अभी। और अभी आप लोगों को मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और गाइस, इस बुकिंग में जो है ना मेरे को मिला है 3,800, मतलब 4,400 रुपये टोटल मिला है इसमें, 620 रुपये का, 640 रुपये का टोल है, और बाकी का फिर मेरे को मिला है, मतलब 3,800 पकड़ के चलो। और इसमें 200 किलोमीटर गाड़ी चली है, 210 किलोमीटर, 105 किलोमीटर गया और 105 किलोमीटर में वहाँ से आया, ऐसे 210 किलोमीटर गाड़ी चली है और 3,800 मिला है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का काम और आज की इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।